गाइज, लास्ट वीडियो में हमने पावर पॉइंट के हाइपरलिंक टू फाइल वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई वेबसाइट का लिंक है उसको हाइपरलिंक की तरह प्रोवाइड करना है, या फिर लेट से कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक अगर आपको हाइपरलिंक की तरह प्रोवाइड करना है तो आप कैसे करें। ऑल राइट, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एकदम लास्ट वाली स्लाइड्स पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे 10 स्लाइड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इन ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे मैं एक यूट्यूब वीडियो का लिंक एड करना चाहता हूँ IoT टॉपिक के बारे में कि IoT क्या होता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट पे हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकता हूँ, या इस इमेज को भी मैं एज ए हाइपरलिंक बना सकता हूँ, या फिर पावर पॉइंट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे शेप्स हो, आइकन्स या 3D मॉडल्स, आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाइपरलिंक लगा सकते हो। ओके, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को नहीं सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ यहाँ पे जो IoT नाम है इसी के ऊपर हाइपरलिंक इंसर्ट करूंगा। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, या फिर आप राइट क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। एंड यहाँ पे आपको टॉप में जो ऑप्शन दिख रहा है वो है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो का लिंक भी एक वेब पेज की तरह है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको एड्रेस इंसर्ट करना है, मतलब यूट्यूब वीडियो का जो URL है वो आपको यहाँ इंसर्ट करना है। तो लेट से ये जो वीडियो है IoT का, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसका लिंक है वो मैं कॉपी करता हूँ। फिर से हम यहाँ PPT पे आ जाएंगे एंड यहाँ एड्रेस में उस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IoT नाम है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। इसके ऊपर आप कर्जर लाओगे तो इसके हाइपरलिंक का आपको एड्रेस दिखेगा। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करोगे तो यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप स्लाइड शो मोड में जाके भी इसको ओपन कर सकते हो, या इस पर राइट क्लिक करोगे यहाँ तो भी आपको ओपन हाइपरलिंक का ऑप्शन दिखेगा। तो अभी के लिए हम स्लाइड शो मोड में जाके इसको ओपन करते हैं। तो इस पे क्लिक करते ही Imagine you're at work. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये IoT से रिलेटेड टॉपिक पे एक वीडियो है जो ओपन हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पावर पॉइंट के टेक्स्ट डेटा पे एक यूट्यूब वीडियो को हाइपरलिंक की तरह इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आप हाइपरलिंक की तरह बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड से यहाँ पे हम कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे हाइपरलिंक लगाएंगे। तो यहाँ पे ये स्लाइड है सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी के बारे में, एंड इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है प्रोमोटिंग साइकिलिंग एंड वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें लेट से जो आइकन है इस पे हम हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक करना है, फिर आपको लिंक पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज उसको सेलेक्ट करना है, और आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो उसका लिंक ऐड कर दो। तो लेट से यहाँ पे एक वेबसाइट है वो है हाउ टू अचीव ए वॉकिंग एंड साइकिलिंग ट्रांसपोर्टेशन इन योर सिटी। तो इसका लिंक हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए करके और कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे मैं एड्रेस में ले जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और फिर ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको स्लाइड शो मोड में देखोगे तो देखो बाकी आइकन्स पे कुछ भी लिंक नहीं है, बट इस पे आपको लिंक का ऑप्शन दिखेगा, मतलब क्लिक करने का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये उस आर्टिकल को यहाँ पे ओपन कर देगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी वेबसाइट का हाइपर लिंक है वो भी पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमने पावर पॉइंट के एक आइकन के ऊपर हाइपर लिंक इंसर्ट करना सीखा। ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड से यहाँ पे जो हमने IoT पे एक हाइपर लिंक लगाया था उसको अगर मेरे को हटाना है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे। एडिट का ऑप्शन है, लेट से एडिट करूंगा। तो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है उसको मैं लेट से IoT 1 कर देता हूँ, ओके करूंगा। तो देखो अभी IoT 1 आ गया। तो इस प्रकार से आप एक हाइपरलिंक को एडिट कर सकते हो। फिर से राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन दिखेगा। तो रिमूव लिंक पे क्लिक करते ही अभी यहाँ पे जो भी हाइपरलिंक था वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप पावर पॉइंट में कोई भी हाइपरलिंक है उसको एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो। ऑलराइट।